सर अगले साल टाइगर 3 और सलार आ रही है, किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड? देखिए दोनों ही फिल्में बढ़िया होने वाली है, मैं तो दोनों के लिए एक्साइटेड हूँ पर्सनली, मैं ऐसा समझता हूँ। दोनों फिल्मों ने आज ही का दिन चुना है 15 अगस्त का, 75वां इंडिपेंडेंस डे हमारा, उस पर रिलीज करने का था। देखिए टाइगर तो क्या एक थोड़ी पैट्रियाटिक टाइप की फिल्म है, तो वो तो रिलीज करना आज ही था, 10 साल भी पूरे हुए टाइगर 3 को। लेकिन सलार का भी आज रिलीज कर दिया गया। सलार वालों ने हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया था, कल ही उन्होंने दे दिया था कि हम 1258 पे देंगे, और दिया भी उन्होंने। और सलार जो है एक अच्छी फिल्म लग रही है, मज़ेदार लग रही है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और सलार जो है मतलब बढ़िया फिल्म लग रही है, वो जो लुक आया है उनका एकदम बल्की बॉडी और एकदम वैसा सा लग रहा है, वो डार्क था फिर से दे दिया, लेकिन उन्होंने पोस्टर में समझ में नहीं आता है डार्क का क्या है, थोड़ा सा ऐसा तो दिखे कम से कम विजिबल तो रहे एटलीस्ट पोस्टर में, समझ रहा हूँ डार्क थीम रहती है फिल्मों के, पर कुछ ज़्यादा ही डार्क है अगर आप ध्यान से देखेंगे। वो NTR 31 का भी जो हमने देखा था पोस्टर, वो भी हद से ज़्यादा डार्क था, वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ठीक है थोड़ा सा बढ़िया है, थोड़ा डिफरेंट स्ट्रेटजीज है उनकी फिल्म अलग है तो बढ़िया है। सलार भी एक अच्छी फिल्म होगी, टाइगर 3 भी एक अच्छी फिल्म होगी, मुझे लगता है दोनों फिल्में बहुत ही बेहतरीन कमाई करेंगी। और अच्छी बात, सबसे अच्छी बात यही है कि दोनों फिल्में कोई क्लैश नहीं कर रही है, ज़बरदस्ती या क्लैश करके एक दूसरे की फिल्म को नुकसान पहुंचता है, मैं समझता ऐसा करना भी नहीं चाहिए, कोई सेंस नहीं है इस बात का। टाइगर 3 ईद पर आएगी, ईद हमेशा सलमान भाई की होती है, ईद पर अलग ही धमाल मचाएंगे टाइगर 3 से सलमान भाई, ये तो तय बात है। सलार अगले साल हमको देखने को मिलेगी, सेप्टेम्बर में देखने को मिलेगी, एक साल से भी ज़्यादा वक्त है। सलार भी अच्छी चलेगी, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि सलार का भी काफ़ी ज़्यादा वक्त है, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए उसके, थोड़ा सा ग्लिम्स वगैरह का और चीज़ों को लेकर, मुझे लगता है अभी उसके ऊपर काम चल ही रहा है, पूरी तरीके से हुआ नहीं है। मैं समझता हूँ सलार भी बहुत बढ़िया कमाई करेगी और ज़बरदस्त रिकॉर्ड्स बनाएगी। प्रभास की पिछली फिल्म राधेश्याम जो बुरी तरह से फ्लॉप हुई है, बहुत ही बुरी फिल्म भी थी, वो वाकई में वैसी फिल्म नहीं, बहुत अलग जो एक्शन अवतार में जो दर्शक देखना चाहता है प्रभास को, उसी लुक में उसी तरह आए हैं। KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील उस फिल्म को बना रहे हैं, KGF यूनिवर्स की ये फिल्म होगी, मज़ा आएगा। सलार में हो सकता है हमें यश को भी देखने को मिले, KGF वाला उनका यश का लुक, तो मज़ा आएगा, उनका कैमियो भी देखने को मिल सकता है। सलार भी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, वहीं टाइगर 3 भी ईद पर सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी।